लद्दाख में शहीद हुआ पहाड़ का लाल, टैंक हादसे में गई 5 जवानों की जान, देश के जवान सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब देश के वीर जवान अपने प्राण को वतन पर न्योछावर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ लद्दाख में जब T-72 टैंक को शोक नदी पार करवाते वक्त भारतीय सेना के 5 जवान शोक नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद DFR भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले का रहने वाला था, जिसने देश हित में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भूपेंद्र की शहादत की खबर भूपेंद्र के गांव बिशल्ड पहुंचने के बाद से गांव में शोक की लहर छा गई। पूरा गांव और जिला भूपेंद्र की शहादत से दुख में डूब गया। शोक नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद 5 जवान शहीद हो गए। पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव का लाल DFR भूपेंद्र नेगी देश सेवा में शहीद हो गया। भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन, अपने पिता और पत्नी समेत 2 बेटी और 1 बेटे को छोड़ दुनिया को अलविदा कह गया। 38 वर्षीय शहीद जवान DFR भूपेंद्र नेगी 18 वर्षों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे। भूपेंद्र का परिवार देहरादून रहता है, लेकिन भूपेंद्र को अंतिम विदाई देने परिवार भी गांव पहुंच गया। वहीं पूरा गांव शोक में डूब चुका है। भूपेंद्र के जाने के बाद परिजन और दोस्तों ने अपना दर्द बयां किया है। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गाँव का तो है ही इसमें क्षति है। उसने हाई स्कूल इंटर यही बिसल से ही करा था, पाबो से करा, जूनियर प्राथमिक शिक्षा बिसल और हाई स्कूल उसने इंटर पाबो से करा था। और उसको 18 साल सर्विस करने हो गए थे फौज में। किस तरह से उनका जीवन काल यहाँ पे बीता था गांव में, किस तरह से मिलन पहले हुए थे? बहुत बार गरीब लोग थे, उसके पापा एक छोटे मोटे दुकान चलाते थे और वो बड़ी मुश्किल से फौज में भर्ती हुआ था। तब उनका थोड़ा अच्छा वाला वो चल रहा था, गुजारा चल रहा था। अब अपने पीछे किन किन को छोड़ गए? अपने पीछे वो मिसिस को छोड़ गया, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अभी कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे? वो कल पार्थिव शरीर कल पहुँचेगा इनका, यहीं से फिर दाह संस्कार होगा गांव से ही। सर, ये बात सुन के जब फौज में एक दुर्घटना हुई तो पूरे गांव का माहौल बहुत गमगीन है और एक गांव को प्राउड भी है कि हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है देश के लिए। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से सांत्वना उस परिवार की देता हूं और हमें प्राउड भी है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का लड़का देश के काम आया है। किस तरह से उनका जीवन बीता था यहाँ पे, क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं? सर, वो इसी JSC पावर इंटर कॉलेज तक उसने 12वीं पास किया है। यहीं खेलकूदों में भी रहता था। उसकी पहले से इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ और पिछले साल ही वो अपनी बुआ को बोल के गया था कि मैं, जिस दिन उसकी दादी ख़त्म हुई कि तो मैं उस दिन हवलदार बना, मैं सूबेदार बन के ही घर आऊँगा, रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में रहूँगा। भले ही उसके बच्चे वगैरह देर दिन पढ़ रहे थे पर उसका मन गांव में ही लगा रहता। भूपेंद्र का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई पाबो घाट में दी जाएगी। आपको बता दें कि शहीद का गांव आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया है। शहीद भूपेंद्र सिंह खुश मिजाज और जिंदा दिल सैनिक थे। देश हित में सेना के 5 जवानों की शहादत अपूर्ण क्षति है। सेना के 5 जवानों की शहादत पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भूपेंद्र के जाने से पौड़ी में हर कोई एक और सेना के लाल को खोने के गम में डूब चुका है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।